गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय पीस ऑफ गार्डनिंग चैनल। आज मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फ़ायदेमंद प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपका फ़ायदा ही होगा। ये प्लांट का नाम है मदर ऑफ थाउजेंड। ये प्लांट को मदर ऑफ थाउजेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका लीव से हजारों प्लांट ग्रो होते हैं। ये एक सकुलेंट फैमिली में बिलोंग्स करते हैं। जो पुराना गार्डनर है ज़रूर इसे पहचानते होंगे और जो न्यू गार्डनर है शायद नहीं भी पहचानते होंगे। सबसे पहले मैं इसका ब्यूटीनेस आप सभी से शेयर पेश करने का कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, इसका लीव्स के चारों तरफ जो छोटा छोटा आप फूल की तरह देख रहे हैं, यही है इसका बेबी प्लांट। ऐसा करके इतना सारे लीव्स से इतना सारे अगर छोटा छोटा बेबी प्लांट गिर के प्लांट्स ग्रो होता है तो सोचिए कितना सारे प्लांट्स होंगे। तो दूसरा बात ये देखिए गाइस, ये लीव्स का स्टार्टिंग में ये देखिए, ये थोड़ा शार्ट का कॉलर टाइप का है, बिल्कुल यूनिक लीव्स है इसका। और देखिए कितना खूबसूरत दिखते हैं ये प्लांट, मुझे तो बहुत ही पसंद है, मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो चलिएगा सबसे पहले इसका पोटिंग क्या टिप्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसका पोटिंग मिक्स के बारे में सबसे पहले बताती हूँ, क्योंकि ये एक सकुलेंस फैमिली का हिस्सा है तो इसका पोटिंग मिक्स भी सकुलेंस की तरह ही लेना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें गार्डन सॉइल भी ऐड किया हूँ, 20% गार्डन सॉइल, 20% लीव मोल्ड, 20% हार्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा नीम खोली फंगिसाइड पाउडर और मैं 40% रिवर्सन ऐड किया हूँ, क्योंकि सकुलेंस प्लांट को थोड़ा सा सैंडी सॉइली पसंद होता है। ये सब को मिक्सर को एक साथ मिक्स करके अच्छा से रिपोर्टिंग करने के बाद अच्छा से पानी देके मैं 4-5 दिन इसको शेडी एरिया में रखा, उसके बाद ब्राइट सनलाइट में हमेशा रखती हूँ। तो अभी वाटरिंग सकुलेंस प्लांट को कम ही चाहिए। तो असम में आजकल बहुत गर्म है, इतना गर्मी में भी मैं एक दिन छोड़ के इसमें पानी देती हूँ। तो गाइस अभी बात करते हैं इसका प्रोपगेशन। प्रोपगेशन हम इससे क्या करेंगे, ये खुद ही प्रोपगेशन हो जाता है। इतना सारे जब बेबी प्लांट गिर के अपना आप ही जब इतना सारा बेबी प्लांट, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस इसमें इतना सारे है। और मेरे काफ़ी प्लांटर में भी जहाँ जहाँ ये गिरा उसी में ऐसा करके बेबी प्लांट ग्रो हो रखा है, लेकिन उसको मैं रिपोर्टिंग नहीं किया हूँ क्योंकि अभी इतना गर्म में मैं अगर उसको रिपोर्टिंग करने जाऊँ तो वो गल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ऐसा करके मैं तोड़ लिया, यही है इसका बेबी प्लांट। इसको आप मिट्टी में देंगे तो ये अपना आप ही इसमें रूट्स निकल के आएगा, उसके बाद आप इसको बड़ा होने से थोड़ा सा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं ये पहले ही ये दो बेबी प्लांट को मैं रिपोर्टिंग किया हूँ, ये देखिए, और इधर भी एक है। बीच में ये वाइट वाला क्रिसमस कैक्टस, मैं उसका लीव्स लगाया हूँ, वो भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। और दूसरा पॉट में ये मैं लगाया हूँ, अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो गाइस आप जब भी इसे नर्सरी में देखें तो आपका गार्डन में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इतना सारे प्लांट जब ग्रो होगा तो हम हमारा रिश्तेदारी या फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। आजकल प्लांट गिफ्ट सभी पसंद करते हैं। गाइस मैं पहले बता रही हूँ, गुड इवनिंग बोला तो मैं गुड इवनिंग में इसीलिए शूट करना पड़ता है मुझे, मेरी कोई हेल्पर नहीं है। मैं दिन भर घर का काम करके उसके बाद गार्डनिंग का काम करके
टाइम ही नहीं मिलते हैं कभी कभार, इसीलिए शाम को शूट करना पड़ते हैं। गाइस गार्डनिंग में दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक हो गया आपका पैशन और दूसरा हो गया मेहनत। हर दिन कम से कम एक घंटा या फिर हाफ एन आवर तो गार्डनिंग में चाहिए ही चाहिए। तो गाइस इतना मेहनत करने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहिए और अच्छा से रहिए और खुशियाँ बनिए।